अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अल्फा, जुलेखाज किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ, आई होप आप भी सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चिकन स्ट्यू। चिकन स्ट्यू आप चाहे तो पराठे के साथ सर्व करें, आप चाहे रोटी के साथ, फुलके के साथ, आप चाहे तो नान्स के साथ सर्व कर रहे हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, सो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ मालूम है? आज ये 3 टमाटर है, मीडियम साइज के हैं। इसे मैं है ना इस तरीके से गोल गोल ऐसा काट लेती हूँ। आपको लग रहा होगा कि आज मैं सिल्वर, ये जो स्टील की प्लेट है, उसके ऊपर क्यों रख के काट रही हूँ, क्योंकि मेरा जो चॉपर था, चॉपिंग बोर्ड था, वो टूट गया है। और इस कदर टूटा है कि वो अब बन भी नहीं सकता। तो अब मैं थोड़े दिन के बाद बाहर जाऊंगी तो लाऊंगी, तब तक मैं, मेरा चॉपिंग बोर्ड यही है, सो मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए, टमाटर सारे हो चुके हैं और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ है ना, जैसे आप देख सकते हैं, आई होप ये दिख रहा हो, ये सारे 4 प्याज हैं, 4.5 नहीं, सिर्फ 4 प्याज हैं। मैं यहाँ 4 मीडियम साइज की प्याज ली हूँ, मीडियम से अगर आपकी छोटी हो तो 5 लीजिएगा। चलिए, अब मैं इसे है ना ऐसे स्लाइस कर लेती हूँ। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्लाइस नहीं करके छुंदा प्याज भी कर सकते हैं। चलिए, मेरी प्याज भी हो चुकी है और टमाटर भी मैंने काट लिए। किचन में जाते हैं और क्विकली बनाते हैं हमारा चिकन स्ट्यू आज का, बहुत ही डिलिशियस होता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ना मैंने गरम मसाले थोड़े निकाल के रखे, ये देखिए, ये 8-10 काली मिरी, 8-10 लौंग, 4-5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा साबुत, आप चाहे तो शाहजीरा भी ले सकते हैं, ये शाहजीरा नहीं है, नॉर्मल वाला है, 1 डंडी दालचीनी की, 2 तेज पत्ता, 1 बादियान और 2 ये लाल मिर्ची सूखी हुई। ये है तकरीबन, समझिए ना, 750 से 800 ग्राम तक की ये चिकन है, हड्डियों वाली है, चर्बी निकाल ली है, 2-3 पानी से धो लिया, नितार कर ये प्लेट में रखा है। अच्छा, आप चाहे तो 1 किलो तक के चिकन के लिए सेम प्रोसीजर, सेम मेजरमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। चलिए, एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए। जब तेल अच्छा गरम हो जाता है फास्ट आंच पर, तो गरम मसाले जो हमने साइड पर रखे हैं वो सारे डाल दीजिए। ये जो सूखी लाल मिर्ची है ये मत डालिएगा, बाकी सब डाल दें। फ्यू सेकेंड्स के लिए ये जो गरम मसाले हैं इन्हें फ्राई करें, समझिए ना, 6-7 सेकेंड के बाद ये सूखी लाल मिर्ची भी डाल दें और सारे गरम मसाले जब तड़तड़ा जाएं तो सारी प्याज डाल दें और प्याज को तब तक फ्राई करें जब तक पिंकिश नहीं हो जाती, ठीक है ना? तब तक फ्राई करें। अब छुंदा प्याज डालेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अच्छे से जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए, अब इसे आपने फ्राई करना है। पिंकिश आपको पता है कब होती है, राइट? जब हल्की सी लाल होना शुरू होती है उससे पहले वो पिंकिश होती है। तो जब इस तरीके से हल्की पिंकिश हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 2.5 से 3 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालकर भी उसे फ्राई कीजिए, तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया है और जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाता है तो हमने जो चिकन धोकर साइड पर रखी है वो सारी डाल दीजिए, उसे भी मीडियम आंच पर फ्राई करें। आपने तब तक चिकन को फ्राई करना है जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, और उसे बार बार चलाते रहिए कि नीचे चिटके ना ना। चिकन डालें तो थोड़ा सा नमक भी डाल दें और मिक्स करें, सो दैट जो ये नमक है ना चिकन में चढ़ेगा ना, जब फ्राई हो रही है चिकन तो मीडियम आंच पर। जब चिकन फ्राई हो जाए, समझिए ना, कलर चेंज तो कुछ मिनटों में हो जाएगा। जब कुछ मिनटों में कलर चेंज हो जाए तो टमाटर हमने जो गोल गोल पहिए टाइप काट के रखे हैं वो सारे डाल दीजिए इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने नमक कम डाला था, यहाँ थोड़ा सा मैं फिर से नमक डाल रही हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच ये जो भुना हुआ और पीसा हुआ साबुत जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए, और यहाँ पर ना मैं 1/4 छोटा चाय का चम्मच तीखी स्पाइसी वाली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना है तो मत डालिएगा। अब इसके साथ साथ ये मिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं क्या डाल रही हूँ मालूम है? 1/2 छोटा चाय का चम्मच मेरा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, आप चाहें तो एक ही डालें दोनों में से, या आप चाहें तो मेरी तरह दोनों डाल दें, या आप चाहें तो
अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिए। इसमें एक बस हल्का सा फ्लेवर देने के लिए है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह के लिए टच देने के लिए नहीं है। चलिए अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने टोटल 3/4 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है दोनों मिला के। आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा और हरी मिर्चियाँ भी अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। हाँ, अब डाल दीजिए 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो होता है वो, और मिक्स कर लीजिए। ये जो सारे अभी जो गरम मसाले हमने डाले हैं वो डालने के बाद तकरीबन मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक ये सारों को भूनिए। बार बार बीच बीच में चलाते रहिए सो दैट चिपके ना, नीचे लगे ना हमारी पतीली पे ये मसाला। और जब 4 से 5 मिनट हो जाए तब 4 टेबलस्पून भरकर दही डाल दीजिए। वैसे ये अच्छे से फेटी हुई है और रूम टेम्परेचर पे है और ज़्यादा खट्टी नहीं है। हाँ, इसे भी डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर रखें और इसे भी बहुत अच्छे से भूनें। ये जो दही है इसका भी पानी छूटेगा और हमें तकरीबन समझिए ना 6-7 मिनट तक इसे मीडियम आँच पर भूनना है। बार बार चलाते रहे हैं कि चिटके ना ना हमारा ये मसाला जो है। चलिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें घुल चुकी हैं। टमाटर एकदम अच्छे से नम भी हो चुके हैं, तेल थोड़ा थोड़ा छूटने लगा है। तो अब क्या कर दीजिए, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। नहीं, आपने पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने ही पानी में गल जाएगी, उसका खुद का पानी निकलेगा चिकन का तो उसमें ही गल जाएगी। चलिए मैं ढक देती हूँ और स्लो भी कर देती हूँ। अच्छा, मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है, 15 से 20 मिनट तक पकाएं, या आपकी चिकन बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, मेरी तो 15-20 मिनट में हो जाएगी। अच्छा, मैंने पतीली में पकाया है, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगी, एडवाइस दूंगी कि आप पतीली में ही पकाएं। बट अगर आपने नहीं पतीली में पकाना है और कुकर में पकाना है, फेयर इनफ, आप कुकर में पका लीजिए। प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। जब मैंने ढाका है उस समय आप जब जो दही भून लेते हैं 6-7 मिनट तक, उसके बाद ना जब तेल छूट जाए आप पानी डाल दीजिए, चाहे तो 1/4 कप, आधे कप के दरमियान डालिए, 1/4 भी डाल सकते हैं, आधा भी डाल सकते हैं, और मिक्स करके कुकर का ढक्कन ढक दीजिए और फास्ट आंच पर सीटी खिला लीजिए। 1 से 2 सीटी खिलाएंगे तो आराम से चिकन हो जाएगी। बट मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पतीली में ही बनाए, 15-20 मिनट या 25 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेगी आपकी चिकन को। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, तब भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी थिक ग्रेवी है इसमें। और चिकन चेक कर लीजिए हो गई है कि नहीं, मेरी तो छोटी चिकन थी, देखने से ही लग रही है कि हो गई है। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच और नमक एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो डाल दीजिए, हल्का एडजस्ट कर लीजिए। और इसे मैं अभी 3-4 मिनट तक अभी भी फिर से भून रही हूँ, थोड़ा सा 3-4 मिनट भून लीजिए। जो बचा कुचा अगर आपकी ये जो प्याज दिख रही हो या रह गई हो तो वो एक रस हो जाएगी भूनने में। वैसे आप देख सकते हैं टमाटर तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहे हैं, वो एक रस हो गए हैं। तो यहाँ मैं बीच में डाल देती हूँ कोथमीर, 1-2 हरी मिर्चियाँ ऐसे साइडवेज, एकदम फीकी वाली थी साइडवेज करके डाली है काट कर, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो स्किप कर सकते हो। और थोड़ी सी अदरक लंबी लंबी काट कर डाल दीजिए, इसकी भी अच्छा एक टेस्ट आता है। मिक्स कर लीजिए और मैं 3-4 मिनट भून लेती हूँ। उसके बाद डाल दीजिए तकरीबन 1/2 कप या फिर 1/4 कप, 3/4 कप जितना पानी। मैं यहाँ 3/4 कप डाल रही हूँ, आप चाहें तो आधा भी डाल सकते हैं। 3/4 कप पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो ढक कर इसे 3-4 मिनट पकने रहने दीजिए, क्योंकि हमने पानी डाला है तो पानी भी तो पकेगा ना एकदम। और आप चाहें तो इस समय ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी नहीं लेके आप गर्म पानी भी डाल सकते हैं। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं तेल भी ऊपर आ चुका था, मज़ेदार बढ़िया सी लग रही है। चूल्हा कर दीजिए बंद, थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए। मैं हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ क्योंकि ये फीकी वाली, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना है आप मिर्चियाँ तो मत डालिएगा। चलिए मैंने थोड़ा अभी गर्म किया, थोड़ी देर के बाद सर्व कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं है ना बढ़िया सा एकदम चिकन स्ट्यू मजेदार सा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर मैं सर्विंग डिश में बाउल में निकाल रही हूँ, आप सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाहे तो कोथमीर डाल दीजिए, मैं हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी और फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, एकदम ऑप्शनल है, मत डालिएगा अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो। और थोड़े से ये जो अदरक के टुकड़े रख देती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ।
अगर आप कुछ देर बाद सर्व कर रहे हैं और पानी इसका जो है वो एकदम सूख चुका है, तो आप 1/4 या आधा कप पानी गरम करके इसमें डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और धीमी आंच पर 3-4 मिनट उसे पकने दीजिए। उसके बाद कोथमीर डाल के सर्व कीजिएगा। अच्छा, इसका जो ये है ना मेन है कि प्याज और दही का फ्लेवर है और थोड़ा सा स्पाइस जो लाल मिर्ची और हरी मिर्चियों का होता है, तो उस हिसाब से अपना बैलेंस कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी झटपट सी बन गई, क्विक भी है, इजी है, चिकन स्टू घर में बनाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे लिंक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चलिए आइए बोलिए बिस्मिल्लाह।